ओके, हाय एवरीवन, हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? हाँ जी गाइस, एम आई ऑडिबल? बच्चा मैं ऑडिबल है गया प्रॉपरली? सॉरी बच्चा, एक टेक्निकल एरर सी जिदे करके आज दी जिहड़ी क्लास है थोड़ी 5 मिनट लेट हो गई, क्योंकि ना मेरी मैं लाइव नहीं आ पा रही सी। आई होप मैं तुहानू अच्छे तरीके नाल ऑडिबल होवांगी ते विजिबल भी होवांगी। सब तो पहला तां ये दसो कि तुसी किद्दां हो, वधिया हैगे हो? हैलो निमरत कौर, नमस्ते जी। अज तो बाद मैं तुहानू सारे नमस्ते क्या करांगी, ठीक है? ओके ओके, ऑडिबल हैगी हाँ? ओके बच्चा, अज है थोड़ी 16 अगस्त, आप PSSB के एम सी क्यूज कर रहे हैं गया। तो चलो फिर आप एम सी क्यूज जोड़े है थोड़े स्टार्ट करते हैं। बट उस तो पहला मैं तुहानू ये दसना चाहवागी बच्चा, साढ़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेस जोड़े है वो थोड़े स्टार्ट होने वाले है 23 अगस्त को। मैं चाहनी हाँ कि तुसी जड़ा हैगा वा प्लीज़ लेट ना होवो, ताकि तुसी नवंबर ते अक्टूबर दे विच जड़ी है उस तो पहला ही तैयारी कर लो। एक हैगा थोड़ा पंजाब SI दा एग्जाम दा बैच लॉन्च हो चुका है, एक थोड़ा पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दा भी बैच लॉन्च हो चुका है, ते पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट दा ऑब्जेक्टिव ते सब्जेक्टिव दोनों बैचेस लॉन्च हो चुके ने। तुसी YAT77 कोड लगा के इहदे विच डिस्काउंट लै सकदे हो ते इहनां कोर्सेज़ नूं परचेज़ कर सकदे हो जे तां तुसी तैयारी कर रहे हो। ते अज दा सब तो पहला क्वेश्चन तुहाडे सामने आंदा है, लगाओ बई की आंसर आएगा इहदा। गुड आफ्टरनून जी, मैं बहुत वधिया, तुसी सुनाओ? मैं तो बहुत वधिया, तुहानू दिख नहीं रही मैं बहुत वधिया। हाँ चलो, पहला क्वेश्चन की गल करदे हां बच्चा। तिरंतकारास आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोविंग रीजन? हाँ जी, तुहानू ये दसना है कि जिहड़े आपां तिरंतकारास दे बारे गल करदे हां इह किहदे नाल तुहाडे एसोसिएटेड हैगे ने, किस रिलीजन दे नाल? हिंदूइज़म दे नाल, जैनिज़म दे नाल, सिखिज़म दे नाल या जूज़ दे नाल? पंकू जी कहिंदे हैगे है कि मैम तुसी आंसर लगा दो, मैनू आंदा हैगा आंसर। ओके, की आंसर आएगा जी पंकू? ए विल बी द राइट आंसर। नो बच्चा, ए इज़ नॉट अ राइट आंसर। जदों आपां तिरंतकारा दे बारे गल करदे हां, जैनिज़म दे विच 24 तिरंतकारा सीगे। तिरंतकारा दा मतलब की हुंदा? टीचर, स्पिरिचुअल लीडर्स, ठीक है, जिहड़े तुहानू दसदे ने, टीच करदे ने कि जैनिज़म धर्म जिहड़ा सी उह की सीगा। ते फस्ट तिरंतकारा जिहड़े सीगे जैनिज़म दे विच, उह कौन सीगे? ऋषभ देवा, ठीक है। ये तुहाडा एंशियंट हिस्ट्री तो क्वेश्चन जिहड़ा है आया होया है, तो इत्थे जिहड़ा अपना आंसर आएगा वो आएगा सैकेंड। जिदा मैं तुहानू दस्या, तिरंतकारास आर एसोसिएटेड विद जैनिज़म, तो देयर आर 24 तिरंतकारास, सेवियर स्पिरिचुअल टीचर्स होंदे सी जैन धर्म दे, ते फस्ट तिरंतकारा तुहाडा ऋषभ देवा सी। ओके बच्चा, नैक्सट क्वेश्चन की ओर वधदे आ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स ऑफ सतलुज रिवर? बच्चा सतलुज रिवर का सोर्स तुसी दसना है की है। अगर इंदस वैली सिविलाइजेशन की गल करिए, सतलुज रिवर सब तो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है थोड़ी, है ना, सब तो वड्डी कह लो रिवर मनी जाती है। अगर आप इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे गल करिए, तो ये तुम दसना है कि जी थी सतलुज रिवर है यदा बच्चा सोर्स की है। हाँ जी बिल्कुल, लास्ट तिरंतकारा महावीरा। रक्षतल लेक तिब्बत के विच कहने पे हो, पक्का गल है। मानसरोवर लेक दे कोल कड़ी रिवर आती है? मानसरोवर लेक दे कोल अगर असी गल करिए, इंदस रिवर ओरिजिनेट करती है, है ना। बट जो आप रक्षतल लेक दे बारे गल करते हैं तिब्बत दे विच, ए तुहाडी है सतलुज लेक जिहड़ी है, इत्थों तुहाडा इहदा ओरिजिनेशन जिहड़ा है हुंदा है। देखो सोर्स ऑफ द सतलुज लेक जिहड़ा है वह तुहाडा रक्षतल लेक है इन तिब्बत। ये एंटर करती है थ्रू शिपकिला पास इन हिमाचल प्रदेश, मीट करती है ब्यास रिवर नू किथे? फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब दे विच। ठीक है, समझ आ गया? नैक्सट क्वेश्चन दी और वधीए बच्चा। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फस्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहले होम मिनिस्टर बच्चा दसने ने तुहानू कौन ने? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल है बच्चा, लोकमान्य तिलक है, महात्मा गांधी है या तुहाडे मनोहर लाल है? यस वेरी गुड, बिल्कुल
हाँ जी, वट विल बी द राइट आंसर, जल्दी ना लगाओ। ओके, ते बरदोली बच्चा, सॉरी बिचे थोड़ा लैग कर गया। हाँ जी, रिकनेक्टेड हो गया। ठीक है, आई होप रिकनेक्ट हो गया होएगा। जस्ट अ सेकेंड बच्चा, बहुत सारिया पीपीटीज खुली होंगे ना, वो तो इदा होंगे हैगा। ओके देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे गल करिए, बरदोली सत्याग्रह इन्होंने 1928 के काफ़ी अच्छी लीडरशिप की, तो तहत ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिलया। उस तो बाद ए फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे लिया उस तो बाद ए फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे, ए फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्हों का जन्म 31 अक्टूबर 1875 के होंगे गुजरात के, इन्हों का जी डैथ होंगी है 15 दिसंबर 1950 महाराष्ट्र के होंगी है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन, हु कैन ट्रांसफर द जजिज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। हाँ जी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन जिहड़े है तुहाडे एक जज दे हाई कोर्ट नूं तुहाडे दूजे हाई कोर्ट दे विच जिहड़ा है ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑप्शन दिते गए ने बच्चा, द प्रेजिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर। यस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, हाई कोर्ट दे जजिस ते तुहाडे सुप्रीम कोर्ट दे जजिस अपॉइंट भी कौन करते, प्रेजिडेंट ही करते हैं, तो प्रेजिडेंट कोल ही अथॉरिटी जिहड़ी हुंदी हैगी है इन्हां नूं ट्रांसफर करन दी। ते अगर आपां गल करिए, द प्रेजिडेंट होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग द जजिस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूट चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया जिहड़े हुंदे ने कंसल्टेशन करके इन्हां दे नाल जिहड़े है ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, जिहड़ा तुहाडा ग्लोबल सिस्टम हैगा इंटरकनैक्टिड कंप्यूटर नैटवर्क का, इहनूं तुसीं की कहिंदे हो। ऑप्शन दिते गए ने बच्चा, वर्ल्ड वाइड वैब, ब्राउजर, इंटरनेट या नन ऑफ दीस। यस पंकू, बिल्कुल तुसी राइट आंसर दिता है। अगले क्वेश्चन दी ओर, द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनैक्टिड कंप्यूटर नैटवर्क इज कॉल्ड। इंटरकनैक्टिड का मतलब क्या होंगे, जो एक कंप्यूटर दूजे कंप्यूटर के नाल कनैक्ट कर रहे हैं, राइट, इंटरकनैक्शन। तो ग्लोबल बोलिया गया यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये आप कहेंगे इंटरनेट कहेंगे। इंटरनेट जिहड़ा हुंदा है किहड़े प्रोटोकॉल के उत्ते वर्क कर रहा है, TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल किहदे उपर निर्भर हैगा, OSI मॉडल के उपर। वट डू यू मीन बाय बच्चा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होंगे, रू सैट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जोड़े है फॉलोअप होंगे ने। ब्राउजर की होंगे जिद ब्राउज करते हो, इंटरनेट सफरिंग करते हो। वर्ल्ड वाइड वैब की है, ये हाइपरलिंक होंगे ने, ठीक है, जिद वैबसाइट के थ्रू जाने। तो इतने अगर असं गल करिए, इंटरनेट जोड़ा है एक तरीके का ग्लोबल सिस्टम है, जिदे आप कहने कि आप कंप्यूटर नैटवर्कस कनैक्टिड किया हो, कम्यूनीकेशन करवादा नैटवर्क्स एंड डिवाइसिज के। विंटन सर्फ एंड बॉब खान इन्होंने इंटरनेट जोड़ा है थोड़ा इनवेंट किया। फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इंटरनेट है इज इंटरकनैक्टिड नैटवर्क। ठीक है, हाँ जी, OSI मॉडल की 7 लेयर्स होंगे ने। अगला क्वेश्चन बच्चा, तंजानिया जड़ा है तुहानू दसना है एक केड़े कॉन्टीनेंट दे विच लोकेटेड है। यस, TCP/IP बच्चा प्रोटोकॉल है, एक मॉडल नहीं है। OSI एक मॉडल सीगा जिदे उपर TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया गया। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन दी ओर, तंजानिया बच्चा तुहानू दसना है कि केड़े कॉन्टीनेंट दे विच लोकेटेड है। ऑप्शन दिते गए ने, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड, करंसी यदि तंजानिया शिलिंग होंगी है, बिल्कुल ये अफ्रीका दे विच है। अगर तुहानू इदा भी आ जाए तो भी तुहानू ये गल याद रखनी है कि ईस्ट अफ्रीका दे विच है। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका दे विच तुहानू ये तंजानिया जिहड़ी कॉन्टीनेंट देखने को मिलता है। तो सैकेंड विल बी द राइट, सॉरी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, अफ्रीका। तो यदि करंसी जिहड़ी है तंजानिया शिलिंग है, तो यदि जिहड़ी कैपिटल है, कैपिटल का नाम है डोडोमा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नैक्सट क्वेश्चन दी ओर, इन्हां विचों दसनी है तुहानू ऑटोबायोग्राफी जिहड़ी है कपिल देव की कहड़ी है। कपिल देव बहुत ही फेमस क्रिकेटर रहे ने। ठीक है, तो इन्हां दे टाइम दे कैप्टेंसी दे टाइम ते ही इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जितया सीगा, 1983 दा वर्ल्ड कप
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਮਸ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी कोई फेमस चीज़ आती है ना उसके क्रिकेटर्स की या कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ होंदिया ने उन्हां दियां बहुत बार तुहानू देखने मिलनगियां कि ऑटोबायोग्राफीज़ पूछनियाँ या उन्हां दी बुक्स लिखियां पूछनियाँ, इदां दे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम दे विच इंपॉर्टेंट होंदे ने। हाँ जी, की आंसर आएगा? ए विल बी द राइट आंसर? नहीं, एक बच्चे ने आंसर मैं देता है, गुरविंदर सिंह ने आंसर सही दिता है कि क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल, ए इन्हां ने अपनी जड़ी है बुक लिखी है। ईवनली कपिल देव जड़े है बच्चा एक कोच भी रहे ने इंडियन नेशनल क्रिकेट दे 1999 तो लेके 2000 अगस्त तक। ठीक है, आंसर विल बी बच्चा बी, क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव। ओके, हुण इत्थे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है इनवेंशन का, हु इनवेंटिड डायनामाइट, एक एक्सप्लोजिव है, एक किदे द्वारा इनवेंट किया गया? हाँ जी, जे आर ग्लबर, एल्फ्रेड नोबल, जी फॉक्स या जॉनी बिकफोर्ट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि तुहाडी पेपर दे विच साइंस एंड टेक भी है, इनवेंशन आ सकते हैं। हाँ जी बेटा, 1867 दे विच एक स्वेडिश कैमिस्ट ने इनू इनवेंट किया सीगा। ए तुहाडा माइनिंग दे विच, कंस्ट्रक्शन दे विच इहदा इस्तेमाल किया जाता है। इन्हों का नाम सीगा एल्फ्रेड नोबल। बिल्कुल तुहाडा आंसर सही है कि डायनामाइट जिहड़ा है एल्फ्रेड नोबल के द्वारा इनवेंट इनू किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी ईजी क्वेश्चन कि हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अज आप ईको दे भी क्वेश्चन करांगे इन फैक्चुअल क्वेश्चन करन तो बाद। बच्चा मेरे को चाबी नहीं हैगी है लॉक करन लई, तुहाडे कोल हैगी है? आई डोंट नो, डोंट हैव दैट लॉक कि मैं उन्हें लॉक कर दाँ क्वेश्चन। ओके, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइज, अ वेरी गो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, जो साडा भारत का संविधान बनया सी उदों तां भारत के संविधान के विच साडी फंडामेंटल ड्यूटीज़ सीगी ही नहीं। तो साडे अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे गल करिए, आपां सब तो पहला कित्थों लिती है? आपां लिती है रशिया तो। रशिया तो आपां बोरो कीतियां कि रशिया ने कंट्री तो आपां देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनियां चाहीदियां। तो जो आपां 42nd अमेंडमेंट आया उहदे विच आपां 10 फंडामेंटल ड्यूटी नूं एडअप किया, बट 2002 दे विच आपां एक होर फंडामेंटल ड्यूटी एडअप की जिदे करके साडियां टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैगियां ने। तो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिहड़ियां ने देखण नूं मिलणगियां। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन आंदा है बच्चा, तानसेन सम्मान बाय द गवर्नमेंट मध्य प्रदेश इज गिवन इन द विच फील्ड। यस, केड़ी फील्ड दे विच तानसेन सम्मान जड़ा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ये दिता जाता है। तानसेन तुहानू ऑलरेडी पता ही है, मियाँ तानसेन इन्हों का नाम सेगा। अकबर के द्वारा इन्हों टाइटल दिता गया सीगा, क्योंकि तानसेन जड़े सीगे ये अकबर के टाइम पीरियड से ही आए सीगे, ते अकबर के नौ नवरत्ना दे विचों एक सीगे। अकबर ने इन्हू मियाँ का टाइटल जड़ा है दिता, ते बहुत ही फेमस म्यूजिशियन सीगे, तां करके म्यूजिक दी कैटेगरी दे विच मध्य प्रदेश के द्वारा तानसेन सम्मान जड़ा है गवर्नमेंट के द्वारा दिता जाता है। ये भी तुहानू याद रखना है कि केड़ा स्टेट जड़ा है तानसेन अवार्ड जड़ा है प्रेजेंट करता है। नैक्सट क्वेश्चन दी और वाद दें, विच ऑफ द फॉलोविंग हॉर्मोन हेल्प्स इन, ठीक है, पेरिथ्रोकार्पी, केड़ा तुहाडा ये हॉर्मोन होएगा जिहड़ा तुहाडा हेल्प करता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस दे विच। इहदा मतलब की हुंदा है, एक इदां दी प्रोसेस हुंदी है जिहदे विच फ्रूट्स डिवेलपमेंट कीती जांदी है। ठीक है, फ्रूट्स की डिवेलपमेंट की जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स से रिलेटिड है। तो कि हारमोन है जोड़ा हेल्प करेगा ये तुम दसने, तीन हारमोनस होंगे ने, एक होंगे तो ऑक्सिनस, एक होंगे ने तो गिबलिनस, यस, एक होंगे ने साइटोकिनस। ये तीन हारमोनस होंगे ने जोड़े हेल्प करते हैं। ये बॉटनी तो क्वेश्चन आया हुआ, यानी कि बायोलॉजी तो, जितों इन्होंने पूछ लिया। अगेन बच्चा एक साइंस का क्वेश्चन है, इदा के क्वेश्चन तुहानू देखने मिलेंगे।
थायरोक्सीन हार्मोन जिहड़ा है तुहाडे ही बॉडी दे विच थायरॉयड ग्लैंड दे द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये तुहाडी मैटाबोलिज़म एक्टिविटी देखता है। अगर तुहाडी बॉडी दे विच नमक की कमी हो जाए, जिहनूं आपां सोडियम की कमी कहने आ, तो तुहानूं गोइट्री की प्रॉब्लम हो जाती, थायरॉयड ग्लैंड अच्छे तरीके नाल वर्क नहीं करता। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हाइपर थायरॉयडिज़म हो जाता है, ठीक है। तो थायरोक्सीन हारमोन मैटाबोलिज़म एक्टिविटी दे विच काम करता है। जिहड़ा थायरॉयड ग्लैंड हुंदा है बच्चा, इत्थे गले दे विच हुंदा है वो ग्लैंड। इत्थे एक होर ग्लैंड हुंदा है जिहनूं कहिंदे पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो तुहाडी बॉडी दे विच जिहड़े कैल्शियम लैवल हुंदे ने, फॉस्फेट लैवल्स हुंदे ने, उहनां नूं देखदा है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करदे हां। अगला क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन कहिंदा है इफ़ द एयर इज़ वॉर्म, ठीक है, मॉइस्ट, द एटमोसफेरिक प्रेशर विल बी। यस, हाँ जी, अगर एयर जड़ा है वार्म होएगी तो मॉइस्ट जड़ी है द एटमोसफेरिक प्रेशर किदा दा होएगा, लो होएगा, हाई होएगा, नॉर्मल होएगा या नन ऑफ दीज। देखो जदों एयर वॉर्म होंदी है ना, ठीक है, जदों भी तुहाडी एयर की गल करदे आ, एयर दे विच बहुत सारिया गैसेस होंदिया ने, ठीक है, ये गैसेस का अपना वेट होंदा है, बट जदों ही मॉइस्चर एंड हो जाता है ना, मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, तो गैसेस का भार जिहड़ा घटला जाता है, तो जिहड़ी तुहाडी एयर एटमोसफेरिक प्रेशर होंदा है वो तुहाडा लो होंदा जाता है, ठीक है। मॉइस्चर ते वार्मनेस जिहड़ी हुंदी है वो तुहाडी डेंसिटी ऑफ द एयर यानी कि घनत्व जिहड़ा एयर दा हुंदा उहनूं घटा देंदी है, ते एटमोसफेरिक प्रेशर जिहड़ा हुंदा है वो बच्चा लो हो जाता है। तां ही तुसीं अगर देखोगे पहाड़ां दे विच जल्दी खाना नहीं बनता, क्योंकि उत्थे एटमोसफेरिक प्रेशर जिहड़ा हुंदा है वो काफ़ी लो हुंदा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन, बिंदुसारा दे बारे दसना है, वाज़ अ सन ऑफ विच मौर्यन रूलर। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदयन, चंद्रगुप्ता, बिंबिसारा या अशोका। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी ना लगाओ आंसर, की आंसर बच्चा तुहानू इहदे विच देखण नू मिलेगा। बिंदुसारा एक सन सीगे विच मॉडर्न रूलर दे। बच्चा एक होर गल है, कल तो अपना जिहड़ा शड्यूल है, हो सकता हैगा कि आपां शड्यूल चेंज कर दिए, तो मैं तुहानू दस दांगी की शड्यूल अपना रहेगा। Yes, what will be the right answer? Ashok? Okay. देखो सब तो पहला तो अगर असी गल करिए बिंदुसारा जड़े होंदे ने ये सन होंदे ने चंद्रगुप्ता दे, ठीक है। इन्हों आपां कई बारी इस नाम तो भी जानते हैं, अमृतरा घट्टा जिन्होंने कहते स्लेयर्स ऑफ फोइस, ठीक है। बिंदुसारा कि सन होंदे ने, ये तुहाडे चंद्रगुप्ता दे सन होंदे ने, ठीक है। यस, अशोक इज़ द सन ऑफ द बिंदुसारा, तो इतने आंसर जो है सैकेंड आएगा। नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर तुम एक कंट्री के बारे दसो जिदा पहला इदा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होएगा वर्ल्ड का, वो किहड़ा आएगा। तुहाडा रितु बाला ठीक ही होएगा, हुण तां तुहानूं पता है तुसीं गुप्ता एम्पायर पेड क्लासेस दे विच कीता है। हाँ जी, की बच्चा इहदा आंसर आएगा तुहानूं देखण नूं मिलेगा जदों आपां गल करदे हां कि कीहड़ी कंट्री है जिहदा फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा है वर्ल्ड दा होएगा, फ्रांस, USA, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड। देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ही पहला कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा ड्राफ्ट किया सीगा। इन्हां ने ड्राफ्ट कदों किया सीगा, 25 मई 1787 दे विच। तो USA जिहड़ी सी ए फस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इन्हों का हुंदा है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ते नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब की हुंदा है? जो भी आप किसी चीज़ नूं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहने इहदा मतलब हुंदा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली के द्वारा बनाया जा रहा है। जो आप नॉन रिटन कहने इहदा मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन असैम्बली के द्वारा नहीं बनाया गया। तो भारत का संविधान जिहड़ा हैगा वा ये सब तो लोंगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैगा, ठीक है, ये भी गल तुहानूं याद रखनी है। नैक्सट क्वेश्चन की और बात आ, विच ऑफ द फॉलोविंग रिप्रजेंट द स्टैंडर्ड लिविंग इन अ कंट्री। अगर तुम ये चैक करना हो
ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਵਿੰਗ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਪਾਵਰਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਨੂੰ? ਗੁਰ ਅਸੀਂ PPSC ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਸਪੋਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ, ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਬਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਬੱਚਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? IB, RAW, CISF ਜਾਂ NIA? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਬੱਚਾ? ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ। ਯੈਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੱਚਾ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IB ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ, ਉਰਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਕੰਟੀਨੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਉਰਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਰਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯੂਰੋਪ ਫਰੋਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਰਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਾ ਉਰਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਹੇ ਉਰਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਫਰੋਮ ਏਸ਼ੀਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ? ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚਾ ਫਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਐਲਗਈ ਹੋਏਗਾ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੋਏਗਾ? ਯੈਸ, ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਮਸ਼ਰੂਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਮਸ਼ਰੂਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੱਚਾ ਫੰਜਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਜਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਕਿ ਐਲਗਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਜਾਏ ਅਤੇ ਐਲਗਾਈ, ਫੰਜਾਏ ਅਤੇ ਐਲਗਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਬੋਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕਨਸ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਫ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਬਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਏ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ?
अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दसो भाई की आंसर जड़ा है तुहानू देखन नू मिलेगा। यस बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाओ आंसर। स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ड्यू टू विच एक्शंस बाय द ब्रिटिशर्स। देखो स्वदेशी मूवमेंट उदों स्टार्ट होया सीगा जदों लॉर्ड कजन दे द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया सीगा 1905 दे विच। ठीक है, तो आप कहने कि बंगाल की जो पार्टीशन हुई सी उस तो बाद आप स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया। स्वदेशी मूवमेंट विच की सीगा कि आप कि आप बाइकॉट करांगे ब्रिटिशर्स की चीज़ा का। तो इस तो बाद ही 1907 दे विच सूरत स्प्लिट भी होया सी जिदे विच एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट लीडर्स जिहड़े सी वो तुहाडे अलग अलग होए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दी और वधदिआं, हू वॉज़ द फर्स्ट वूमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। यस अगेन अ वेरी ईजी क्वेश्चन, अज के क्वेश्चन कोई औखे नहीं है। अगर तुसी डेली क्लासेस लैने हो मैं लगता है कि तुसी काफ़ी हद तक इन्हां दे जिहड़े है आंसर दे पाओगे। की आंसर आएगा, फर्स्ट वूमेन टू बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन स्टेट कौन सी की? सरोजनी नायडू, नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी किया गया। किदे द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। पहली महिला भी बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस दी, इंडियन वूमेन जो प्रेजिडेंट बनी कहड़े सैशन दे विच? 1925 दे सैशन दे विच। विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट यूएन जनरल असैम्बली दी तुहाडी प्रेजिडेंट बनी, ये भी याद रखना है। तो सरोजनी नायडू जिहड़ी है तुहाडी गवर्नर जनरल बनदी है शी गवर्न द उत्तर प्रदेश 15 अगस्त 1947 तो लैके 2 मार्च 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर जिहड़ा है तुहानू दसना इंडिपेंडेंट इंडिया का। यस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाओ आंसर। तुहानू ये दसना है कि फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हाँ जी बलदेव सिंह, पक्की गल है? ओके ठीक है। हुन बच्चा नेक्स्ट करिए अगला क्वेश्चन। ओके ओके पता लग गया सीगा बच्चा, चलो अगली क्वेश्चन दियो। फर्स्ट डैश बैंक हैज बिकेम the first bank in the country to introduce iris scan authentication। ਇਹਦਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਇਰਿਸ ਸਕੈਨ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਕਨਾਰਾ ਬੈਂਕ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ? स्कैन ऑथेंटिकेशन जी है वो तुहाड़ी एक्सिस बैंक के द्वारा की गई सी। ये फ्यूचर जिहड़ा है आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन के उपर है माइक्रो एटीएम टैबलेट्स के एक्सिस बैंक के द्वारा ये चीज़ शुरुआत की गई। बच्चा तुहानू इदां दे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के मिल सकते हैं बैंकिंग की कैटेगरी के क्योंकि तुहाड़े इकोनॉमिक्स इशूज पार्ट है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वधदिआं, इंडियन माउंटेनर है जिहड़ी फर्स्ट वूमेन बनी जिन्होंने वर्ल्ड क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो फर्स्ट वूमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जिहड़ा है फ्रॉम कंगसुंग फेस तो भी किया, ये तुहानू दसना है कौन है? मालवंत पूर्णा, संतोष यादव, ठीक है प्रेमलता अग्रवाल या अरुणिमा सिन्हा? यस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संतोष यादव कह रहे हो बच्चा, ये तुहाड़ा क्वेश्चन जिहड़ा है उन्होंने करंट अफेयर्स तो पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ये भी तुहानू याद रखना है। सब तो पहला अगर असी गल करिए इत्थे राइट आंसर आएगा तुहाड़ा संतोष यादव।
संतोष यादव जिहड़ी सीगी इफ इंडियन माउंटेनर बनी, शी इज़ अ फर्स्ट वूमेन इन द वर्ल्ड जिन्होंने क्लाइम किया तुहाडा माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ते फर्स्ट वूमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जिहड़ा है कांगशंग फेस तो किया। शी क्लाइम द पीक फर्स्ट इन 1992 दैन 1993। संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा भी बहुत इंपॉर्टेंट परसनैलिटीज़ है फर्स्ट इन कैटेगरीज की, बहुत ज़्यादा वूमेन जिहड़ियां पूछिया जांदियां ने, याद रखना है ते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल एक बार इहनू रिवाइज़ भी कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर वधदे हां। फ्रॉम विच सिटी डिड जीवन रेखा द वर्ल्ड फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन स्टार्ट्स इट्स जर्नी ऑन जुलाई 16, 1991? यस, अगेन आ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाओ भी की आंसर तुहानू इहदे विच राइट देखण नू मिल रहा है। फ्रॉम विच सिटी जीवन रेखा एक वर्ल्ड की फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन सी जिसने अपनी जर्नी नू स्टार्ट किया। ये ट्रेन 16 जुलाई 1991 दे विच स्टार्ट हुई सी, कित्थों हुई सी? वाराणसी या बॉम्बे या न्यू दिल्ली या बेंगलोर? ओके, वेरी गुड, बॉम्बे एग्जैक्टली। जीवन रेखा जिहड़ी है ये तुहाडी फर्स्ट इदा दी हॉस्पिटल ट्रेन सीगी जिहड़ी तुहाडी बॉम्बे तो स्टार्ट हुंदी है 1991 तो, पहला मुंबई। द लाइफ लाइन एक्सप्रेस और जीवन रेखा एक हॉस्पिटल ट्रेन सी, इंडिया दे विच रन हुंदी सी, कोलैबोरेशन आपां कीता सी इंपैक्ट इंडिया फाउंडेशन, इंडियन रेलवेज ते हेल्थ मिनिस्टर दे नाल। नैक्सट क्वेश्चन, किहड़ी इदा दी सिटी ऑफ इंडिया है वाज द फर्स्ट एवर फॉर्मूला वन रेस हेल्ड? साड़ी भारत की एक इदा दी सिटी है जिहदे विच पहली बार तुहाडा फॉर्मूला वन रेस हेल्ड हुई सी, हाँ जी, जिन्हों आप इंडियन ग्रैंड प्रिक्स भी कहने, 2011 दे विच हुई सीगी। तो फर्स्ट एवर वन फॉर्मूला वन एक मोटर रेस होंदी है जिहड़ी तुहाडी हुई सी, हाँ जी, कित्थे हुई सी बच्चा? ग्रेटर नोएडा, एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश इंडिया दे विच। आंसर विल बी बच्चा सी। फर्स्ट वूमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क इज फ्रॉम विच कंट्री? पहली इदा दी वूमेन तुहाडी सेक्रेटरी दसनी है जनरल ऑफ सार्क दी, एक केड़ी कंट्री तो बिलोंग करती है? इंडिया, मालदीव्स, भूटान या श्रीलंका? हाँ जी, की आंसर आएगा बच्चा? इंडिया, मालदीव्स, भूटान, श्रीलंका। इन्हों का नाम की सीगा बच्चा? इन्हों का नाम सीगा फाथी मत ध्याना सी सईद, ठीक है। ये बिलोंग कर दी है मालदीव्स तो। ये पहली वूमेन सेक्रेटरी बनी जनरल ऑफ सार्क फ्रॉम तुहाडी किस कंट्री तो? मालदीव्स तो। 1985 दे विच इन्हानू इस पोस्ट दे विच रख्या गया सीगा, ठीक है। फातिमत दियाना सईद मालदीवन डिप्लोमैट, ते मालदीव्स दे विच सार्क दी जड़ी है साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दी पहली इदा दी सेक्रेटरी जनरल जड़ी है बनी। नैक्सट क्वेश्चन, इदा दा इंडिया दा ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर दसना है तुसी? हाँ जी, इंडिया दा ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर बच्चा केड़ा है? स्टैटिक जीके दा क्वेश्चन है, अज दे क्वेश्चंस मैं इन्ने डिफिकल्ट नहीं रखे, अज सारे क्वेश्चंस तुहानू स्टैटिक जीके वाइज देखण नू मिलणगे जिहड़े तुहाडे टेस्ट करनगे कि तुहाडी स्टैटिक जीके फर्स्ट इन कैटेगरी किद्दां दी है। हाँ जी, अप्सरा बच्चा, एग्जैक्टली। जो आपां अप्सरा दे बारे गल करदे आं, अप्सरा जिहड़ा रिएक्टर है ये डिज़ाइन किया गया सी भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा, जिदे विच आपां यूनाइटेड किंगडम की हेल्प भी लीती सी। 4 अगस्त 1956 दे विच इहदा शुरुआत जिहड़ी है होई सी। सब तो ज़्यादा ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर हैगा ये। इंडिया की फर्स्ट 3D प्लैनेटेरियम ये कित्थे लोकेटिड है? बेंगलुरु दे विच, मैंगलोर दे विच, हैदराबाद दे विच या कोची दे विच? अगर तुसी पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हो, साडा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल दे विच तुहाडा मैराथन होया सीगा कल दी क्लास दे विच, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए है, वो भी सैशन जिहड़ा वॉच कर लेना। हाँ जी बच्चा, इसनू बोलिया जांदा है स्वामी विवेकानंद प्लैनेटेरियम। ये कित्थे हैगा? 3D प्लैनेटेरियम है, फर्स्ट प्लैनेटेरियम इन द कंट्री है,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ? ਮੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਾਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਹੈ? ਮੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਨਾਟ ਏ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਡੀਟਰ ਫੋਰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਐਡੀਟਰ ਫੋਰਮ ਦੇ। ਕੌਣ ਬਣਨਗੀ ਬੱਚਾ? ਲੇਡੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕਾਪੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸੇ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚਾ? ਆਂਸਰ ਬੀ, ਬੱਚੀ ਕਰਕਾਰੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਵਰਲਡ ਐਡੀਟਰ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਟਨ ਕੋਲਮੈਨ ਕੋ ਲਿਮਿਟਡ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਕਰਕਾਰੀਆ, ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਮੂਨ ਚੰਦਰਯਾਨ ਫਸਟ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਯੈਸ, ਚੰਦਰਯਾਨ ਫਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗੇਨ ਬੱਚਾ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ, ਗੱਭਰੂ, ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ। ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੰਦਰਯਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰਬਿਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮੂਨ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਓਲਡੈਸਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੱਚਾ? ਜਮਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਾਦੀਪ, ਪਾਨੀਪਤ ਜਾਂ ਦਿਗਬੋਈ। ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਦਾ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਗਬੋਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਹੈ, 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਬੱਚਾ ਦਿਗਬੋਈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਓਲਡੈਸਟ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਦਿਗਬੋਈ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਡ ਐਜ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ। ਯੈਸ, ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ, ਰਤਨ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਭੋਏ ਟਾਟਾ, ਪਰਵੇਜ਼ ਦਮਾਨੀਆ, ਹੋਮੀ ਬਾਬਾ ਜਾਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਟਾਟਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਖ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸੋ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ, ਰਤਨ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਪਾਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਟ ਆਏਗਾ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ, ਰਤਨ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਭੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਐਂਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਐਂਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਐਂਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸ਼ਨ ਬਲੂ ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਐਂਟੀ ਗਾਮਾ ਰੇਸਕਿਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੀ ਏ ਈ ਆਰ ਡੀ ਰੈਸਪੀ, ਬਟ ਸੈਲੀਨ ਸਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਰਿਸੈਪਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਅਵਾਰਡ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੈਨਪਿਥ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਲਿਆਲਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੰਕਰਾ ਕਰੂਪ। ਜੀ ਸੰਕਰਾ ਕਰੂਪ ਮਲਿਆਲਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਮ ਕੀਤਾ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ। ਯੈਸ ਬੱਚਾ, ਅਗੇਨ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਹਾਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਉ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਿਲਡਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਬਈ? ਆਰਤੀ। 69 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਮ ਕੀਤਾ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ। ਓਹੋ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਆਫ ਮਾਰਸ ਆਰਬਿਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ ਆਰਬਿਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਿਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਸ ਆਰਬਿਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? PSLV C-42। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਆਉਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਸਪੇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਬੱਚਾ PSLV C-25। 25 ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਮਾਰਸ ਆਰਬਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PSLV C-25 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਰੋਕੇਟ C-25, 5th of November 2013। ਠੀਕ ਹੈ, 42 ਨਹੀਂ 25। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪਾਈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ 2/7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 3.14 ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਕੋ ਸਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖ ਲਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਨੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਵਿਨੋਦ, ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਲੈਂਗ ਹੈ। ਬੀ, ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਥਾਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਆਰਿਆ ਭੱਟਾ ਨੇ 0 ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੋਧਿਆਨਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਧਿਆਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵੂਮੈਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਣ ਬਣੀ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਚੇਤਾ ਕਿਰਪਾਨੀ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ? ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਗਾਈਸ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਛਾ। ਸੁਚੇਤਾ ਕਿਰਪਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੇ ਹੈ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਫਰੋਮ 1962-3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਚੇਤਾ ਕਿਰਪਾਨੀ, ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਲਾਈਮ ਕੀਤਾ ਮਾਊਂਟ ਮਕਾਲੂ? ਪਹਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕਲਾਈਮ ਕੀਤਾ ਮਾਊਂਟ ਮਕਾਲੂ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕਮੀ ਰੀਟਾ ਸ਼ੇਰਪਾ, ਗੌਰੀ ਸਾਵੰਤ, ਭਾਵਨਾ ਕੰਥ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੋਹਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਨਮ, ਪੂਨਮ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਓਰ, ਮੇਰਾ ਨੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੋਹਿਤੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੋਹਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 26 ਈਅਰ ਓਲਡ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਮਾਊਂਟ ਮਕਾਲੂ। ਫਸਟ 5th ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੇਲ ਮਾਊਂਟ ਲਹੋਸੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन है ते पहली महिला बनी फर्स्ट इंडियन वूमेन जिन्होंने सक्सेसफुली माउंट मकालून किया। आंसर आएगा प्रियंका मोहिते। क्लास किद्दा ओवर होगी, चुप करके पढ़ लो, एक सेकेंड का वेट नहीं होंगे तुहाडे कोल। हाँ चलो चुपचाप पढ़ो, बेसब्रे सही गल है, मैं देखती भी हाँ, मैं खोले हुए मोबाइल के कमेंट्स मैं देख रही हाँ, टेंशन ना लिया करो। अगला क्वेश्चन करो, हु वॉज बीन अवॉर्डिड बाय द फर्स्ट फिलिप कोटलर प्रेजिडेंट अवॉर्ड। लाइक करते नहीं है रमन वर्मा, ये बहुत खराब बच्चे है, आज पता नहीं क्यों हो रहा है, आज बार बार ये जा रहा, आई थिंक नेट मेरा सही नहीं चल रहा। या जस्ट अ सेकेंड, मैं चेक कर लेनी मेरी टेंपरेरी जड़ी है। हाँ जी आंसर दो तुसी एदा। कई बार ना टेंपरेरी फाइल्स बहुत ज़्यादा होंगे ने। चलो हु वॉज अ फर्स्ट अवॉर्डिड बाय द फिलिप कोटलर प्रेजिडेंट अवॉर्ड। अगर असी गल करिए फिलिप कोटलर प्रेजिडेंट अवॉर्ड जोड़ा है सब तो पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने दिता गया सेगा। ये फर्स्ट एवल फिलिप कोटलर अवॉर्ड सेगा, प्रेजिडेंटल अवॉर्ड जो तुम्हें मिलिया, तो तीन चीज़ा लिए मिलता हैगा, एक पीपल, एक प्लानट, एक प्रॉफिट। इन्ह तिना जो प्राइम मिनिस्टर काम करता है उन्होंने फिलिप कोटलर प्रेजिडेंटल अवॉर्ड जोड़ा है दिता जाता है। ठीक है, एक गल याद रख लेनी है। नेम द इंडियन वूमेन जो इंडियन ओरिजन सी जिन्हों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोड़ा है पैप्सीको दे विच बनाया गया सी, फर्स्ट वूमेन आई थिंक ये बनी सी, ता करके क्वेश्चन जोड़ा है पूछा गया। एंड शी टोल्ड द स्टोरी वेरी ब्यूटीफुली, उन्होंने कहा कि एक बार ना मैं जड़ी है करो जिमें हाँ जी बेटा करो की बोली जा रहे हो, सुप्रीत कहती कि मैम तुसी पीडीएफ नहीं सेंड करते, आप दे कोलो रख दे तुहाडे नाल इदा हुंदा है, हैं सच्ची बच्चा तुसी चाहते हो मेरे नाल बुरा होवे, हैं सीरियसली। इंदिरा नूरी विल बी द राइट आंसर बच्चा, इंदिरा नूरी जड़ी है ये बच्चा मैं नहीं करती, मैं करवा दाँगी सुख चिल्लो, इंदिरा नूरी जड़ी है ये तुहाडी फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनी सी पैप्सीको दी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ए डैश हैज़ बिकम द यंगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड जिन्होंने स्केल्ड किए 7 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स एंड वॉलकैनिक समिट अक्रॉस द कॉन्टीनेंट्स। हाँ जी एक ही हो गया, हाँ जी की आंसर आएगा, डैश बिकम द यंगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टू हैव स्केल्ड 7 हाईएस्ट पीक एंड द वॉलकैनिक एक्टिविटीज दसो अक्रॉस द कॉन्टीनेंट्स। हाँ जी की आंसर आएगा, सत्यरूप सिद्धांता, वेरी गुड। शी ही इज़ अ मतलब तुसी कह लो यंगेस्ट मैन सीगे इन द वर्ल्ड जिन्होंने 7 हाईएस्ट पीक्स से वॉलकैनिक समिट जी कॉन्टीनेंट के किए हैं, सत्यरूप तुहाडे सिद्धांता राइट आंसर आएगा, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। उस वक्त के करंट अफेयर्स तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, डैश वॉज अ ऑफिशियली अकनोलेज एज अ मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट इन द म्यूजिक हिस्ट्री जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन 2011। सब तो ज़्यादा इन्हों वधिया आर्टिस्ट मनिया गया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इन्हों का नाम है आशा भोसले। ठीक है, क्योंकि सॉन्ग्स काफ़ी गाए हुए ने। हु वॉज अ हैज़ बिकम द इंडिया फर्स्ट वूमेन IPS ऑफिसर जिन्होंने कंप्लीट किया साउथ पोल एक्सपीडिशन। हाँ जी पहली IPS ऑफिसर बनी ये सी अपर्णा कुमार, सी विल बी द राइट आंसर। हूँ बच्चा एक होर गल है तुहानू मैं दस देनी हाँ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो गल ये है कि आप वाले क्वेश्चन अजे करांगे, हजे छड़ने नहीं, हजे आप अगे भी क्वेश्चन करने ने, जाइयो ना, थैंक यू तो बिल्कुल भी मैनू ना बोलियो, जो थैंक यू तुसी बोलिया मैं तुहाडे नाल गल नहीं करनी। हाँ जी साढ़ा 1 अगस्त का ऑफर चल रहा है, वो ऑफर ये है कि डबल वैलिडिटी का ऑफर है, यानी कि तुहानू 1 साल के 2 साल दी सबसक्रिप्शन मिल रही है। तुसी YAT77 कोड का इस्तेमाल करके पंजाब का महापैक जिहड़ा है परचेज कर सकते हो। अगर तुसी पंजाब पुलिस SI की तैयारी कर रहे हो, मेरे नाल तैयारी करना चाहते हो, तुसी पंजाब पुलिस SI का पेपर भी दे सकते हो।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7999 ਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Y8077 ਕੋਡ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦਾ 1839 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਭਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੈਚਸ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੈਕ ਦੀ ਔਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਈਵਨਲੀ ਸਾਡੇ PSSSB ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਚਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਔਫਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਔਫਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਔਫਰ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਔਫਰਸ ਆਉਣਗੇ। Y8077 ਕੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ GS GK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। GS and GK ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਾ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਅਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਵੈਟਰਨ ਡੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਰਲ KM ਕਰੀਪਾ। ਔਨ ਵਿਚ ਲੇਕ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਲਡ ਐਨੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਿਚੁਏਟਿਡ? ਬਸ ਬੱਚਾ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਔਨ ਵਿਚ ਲੇਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਲਡ ਓਨਲੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 4-5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ 4-5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਰਾਵਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਾਲ ਲੇਕ। ਦਾਲ ਲੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਲੋਟ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟੈਟਿਕ GK ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕ GK ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ। ਆਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਾਜ਼ ਈਜ਼ੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ GK ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ, ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਗਾਈਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ, ਯੂ ਕੈਨ। ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 3200 ਰੁਪਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡੂ ਜੁਆਇਨ ਦਿਸ ਕੋਰਸ, 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਈਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ GS ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਥਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਰਮਵੀਰ ਸਰ, ਈਵਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਮੈਮ ਵੀ, ਅੰਕੁਸ਼ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਫਤਿਹ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਗਗਨ ਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰੋ ਬੱਚਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਸਿਸ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਮਾਈ ਵਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਕੋਡ Y8077, 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ SI, PSSSB, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਗਾਈਜ਼, ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। I'm closing the session.